सीरीज एंड पैरल की प्रॉब्लम्स हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कैपेसिटर को आप कनेक्ट करोगे आपस में सीरीज या पैरेलल, तो स्टोर क्या करवाओगे? चार्ज। चार्ज स्टोर करवाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी। बैटरी से ही एनर्जी जाएगी। तो आपको बैटरी का प्रिंसिपल बता देता हूँ, उसके बाद सीरीज पैरेलल का कोई का कॉन्सेप्ट थ्योरी में आ जाऊंगा। अगला लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल पे चलेगा इसके ऊपर, प्रैक्टिस पे, क्योंकि हम बस यहीं तक थ्योरी करेंगे। अगले दो लेक्चर में कुछ नहीं चलेगा, मुझे लगता है दो लेक्चर लग जाएंगे सीरीज पैरेलल पे बहुत आराम से। ठीक ठाक है ये, ठीक ट्रिकी है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, तो वो प्रैक्टिस ही चलेगी इसमें बस। ठीक, तो इसमें देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर सीरीज और पैरेलल के अंदर सबसे पहला पॉइंट, या सबसे पहले बैटरी का पॉइंट समझते हैं। कई लोग समझते हैं बैटरी चार्ज स्टोर करती है ना, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, बैटरी तो केमिकल एनर्जी स्टोर करती है, चार्ज तो कैपेसिटर स्टोर करता है। तो बैटरी क्या करती है? सपोज करो ये एक कैपेसिटर है जिसकी दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं और ये वायर है, और ये एक बैटरी मैंने कनेक्ट की पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का सिंबल सबको पता है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं सबको पता है, बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, ये भी सबको पता है। बड़े वाला का पोटेंशियल मान लो V2 है, छोटे का पोटेंशियल V1 है, तो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं V2 - V1, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को V से रिप्रेजेंट करेंगे या E से रिप्रेजेंट करेंगे। V का मतलब वोल्ट्स, कितने वोल्ट की बैटरी है, E का मतलब EMF, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्यों नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? जैसे अगर ये बैटरी में मार्केट से लेके आया, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि बड़े में से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस जब माइनस होगा तो 9 वोल्ट आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो 9 वोल्ट की बैटरी है, दो पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस V है, तो लिखा हुआ है V इज इक्वल टू 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी है। पर कभी कभी लिखा होता है E इज इक्वल टू 9 वोल्ट, इसका मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस E है या V है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, सिंबल E की जरूरत क्या थी? V से काम चल ही रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। उसका रीजन है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते क्यों है, अभी नहीं करेंगे। अभी बेसिक ये करेंगे कि जो बैटरी है, बैटरी वर्क डन करती है, बैटरी काम करती है। क्या काम करती है? बैटरी ने ये देखा कि ये मेटल की प्लेट्स हैं, न्यूट्रल हैं दोनों की दोनों, तो बैटरी के पॉजिटिव ने, ये ध्यान से देखना, बैटरी के पॉजिटिव ने इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, अट्रैक्ट कर लिया, इसके ऊपर क्या आ गई? डेफिशिएंसी। और वो इलेक्ट्रॉन छीन के किसको दे दिए? इसको दे दिए। इसके पास क्या आ गया? एक्सेस चार्ज मेंटेन कर दिया, देखो इसके ऊपर अपने जेब से कुछ नहीं दिया, यहां से निकाल के इसको दे दिया, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में दे दिया। हमने बोला इसके ऊपर चार्ज क्यों है, ये माइनस क्यों है, तो कैपेसिटर पे क्यों चार्ज आ गया। अब जब तक बैटरी में एनर्जी है तब तक ये बैटरी ये मेंटेन करके रखेगी पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी की एनर्जी खत्म, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर से आते हुए वापस डेफिशिएंसी, पूरा कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम बैटरी खत्म क्यों करेंगे? हम तो बैटरी ठीक ठाक लेके आएंगे। तो बैटरी का काम है चार्ज को मेंटेन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आना। तो चार्ज अगर मान लो बैटरी ने यहां से क्यू चार्ज यहां से यहां ले आया, मतलब क्यू नंबर ऑफ चार्ज का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर किया, तो बैटरी क्या करती है? वर्क डन करती है। और वर्क डन क्या करती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो बैटरी से पूछो तूने कितना काम किया, कितने जूल का काम किया आपने क्यू चार्ज को यहां से यहां लाने में, तो बैटरी कहेगी क्यू इंटू वी। तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है, क्यू चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया तो क्यू इंटू वी या क्यू इंटू ई एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप बैटरी का, बैटरी के साथ मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया। अब रूल समझो जरा, ये रूल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मैं ऐसे करवाऊंगा, हालांकि बुक्स में कम लिखे होते हैं बट ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इसको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, वैसे ही समझना, रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे बता रहा हूँ। तो बेस यहीं से शुरू करेंगे। जैसे अगर एक वायर है, वायर के दो एंड पे
हमने ओम लॉ सुना हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा एक का छोटा है, तो हम बोलते हैं इसमें करंट मूव करेगा, ठीक है, करंट मूव करेगा बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। और वायर की दुनिया में कोई ऐसी वायर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस तो लेनी ही है, तो रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो हमें सिखाया गया वी इज इक्वल टू आई आर, वी नहीं, बड़े में से छोटा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जाता है, वी माइनस वी वन माइनस वी टू को वी, वी इज इक्वल टू आई आर, यहां से आया। पर चलो हम ओम लॉ तो पढ़ना नहीं चाहते, हमने तो रेजिस्टेंस पे काम ही नहीं करना अभी। मैं ये बताना चाहता हूं कि अब अगर ये वायर है और मैंने एक ऐसी इमेजिनरी वायर ली, कंडक्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो रेजिस्टेंस नहीं है, और यहां वी वन वी टू पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे एक चीज बताओ, वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू आई इन टू आर, आर तो है ही नहीं, तो राइट हैंड साइड क्या आ गया, जीरो, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है या वायर है और जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो याद रखना कि अगर ये 10 वोल्ट पे है तो पक्की बात है ये भी 10 वोल्ट पे ही आ जाएगा। कंडक्टर की सरफेस, कंडक्टर के एंड पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम रहती है। ये डिफर तब करेगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब बीच में क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस। तो ये भूलना नहीं, अगर वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके दो एंड पॉइंट पर वी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ये रूल याद रहेगा, लगा के दिखाता हूं। ये मेटल की प्लेट्स है, कैपेसिटर, ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल वी वन, बैटरी का पोटेंशियल वी टू, ये वायर है, वायर की रेजिस्टेंस इस चैप्टर में हम कंसिडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है इसकी, तो इसके इस कोने पे वी और इस कोने पे वी विल रिमेन सेम। इस कोने पे वी कितना है, वी वन, और इस कोने पे वी कितना है, वी वन, तो ये प्लेट कितने पोटेंशियल पे आ गई, वी वन। क्यों, क्योंकि इस एंड पे और इस एंड पर वी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। स्टेप समझ में आया। अब जैसे यहां पे पोटेंशियल क्या चल रहा है, वी टू, इस वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पर भी क्या डेवलप हो गया, वी टू। तो अगर मैं ये पूछूं कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे वी वन माइनस वी टू, कैपेसिटर की प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, सेम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने मेंटेन किया हुआ है, वो सारे का सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल गया, कैपेसिटर को भी मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये वी वन वी टू का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो अब इसको यूज करके हम सीरीज और पैरेलल का केस सॉल्व करते हैं, देखो कैसे।